ये आप देख सकते हैं, तो पूरा मैंने जूम करके दिखाया आपको, जहाँ पर फ्लाईओवर ख़त्म होता है, पुल ख़त्म होता है, तो वहाँ पर नेपाल की SS भी है। तो गाइज आखिरकार 1.5 घंटे के बाद रोड खुल चुकी है और निकलते हैं यहाँ से आप सीधा धारचूला की ओर। और आज मैं आपको चलते चलते धारचूला की कहानी बताता हूँ कि धारचूला का नाम धारचूला क्यों पड़ा, यानी धार माने चोटी और चूल्हा का मतलब चूल्हा स्टोव, उसी आकार का जो है ये धारचूला दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है धारचूला पड़ा हुआ है, जो कि नेपाल बॉर्डर पर है और बीच में एक महाकाली नदी है, तो उस पार नेपाल और इस पार जो है ये धारचूला है। कहते हैं कि नेपाल में धारचूला को दारचूला भी कहा जाता है। तो गाइज इसी वजह से इसका नाम जो है धारचूला पड़ा है। आगे भी इसकी कहानी है, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे कि धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद में बसा हुआ है। यहाँ आपको बड़े शॉपिंग सेंटर, सिनेमा घर इत्यादि भले ही ना दिखने को मिले, मगर यहाँ आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारे खूब देखने को मिलेंगे। धारचूला के इतिहास पर नज़र डालें तो एक समय में यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के लोग तिब्बत के साथ बड़ी मात्रा में भोजन और कपड़ों का व्यापार करते थे। साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध ने धारचूला की तस्वीर बदल कर रख दी थी। इस युद्ध के फलस्वरूप यहाँ के लोगों को तिब्बतियों के साथ अपने सभी व्यापार बंद करने पड़े। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास खेती, मवेशी पालन जैसे ही काम बचे थे, इससे ही उनके घर का दाना पानी चलता था। 1962 के युद्ध के बाद भारत सरकार की मदद से यह पर्यटन का केंद्र बिंदु बना। दरअसल धारचूला का एक भाग भारत जैसा है तो वही दूसरा नेपाल जैसा है, यही कारण है कि इसने लोगों को आकर्षित किया। धीरे धीरे एक बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ आने लगे, जो बदस्तूर जारी है। हिमालयन चोटियों से घिरा धारचूला के नाम के पीछे भी अपना एक तर्क है। यह धार यानी पहाड़ी और चूल्हा यानी चूल्हा शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसकी बनावट भी कुछ चूल्हे जैसी प्रतीत होती है, यही कारण है कि इसे धारचूला के नाम से जाना जाता है। अपनी यात्रा के दौरान जब आप यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे तो एक पल के लिए अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये लोग भारतीय हैं। ये लोग देखने में काफ़ी हद तक बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे ये नेपाल के हों। अरे दाजू नमस्कार, ये बताइए, ये सामने नेपाल है और ये इंडिया है, तो हम जा सकते इधर हैं? तो ये आगे मार्केट है क्या? आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से तो धारचूला से हूँ, ये लेके जाओगे? हाँ ये होगा, इसके लिए बना है यहाँ पे धारचूला भी बना है। अच्छा, तो अभी ये यहाँ पे किसी आदमी ने बोला आप जा सकते हो? पैदल जा सकते हो? अच्छा, पैदल जा सकते हैं। देखने के लिए आप मतलब धारचूला में होगा? अच्छा, धारचूला जाएगी। अच्छा, मतलब शॉपिंग बड़ा मार्केट है ना, वो तो खैर मुझे पता है, मैंने कहा चक्कर मार के आता हूँ। हाँ जा सकते हो, ये गाड़ी नहीं, गाड़ी कहाँ जाने देगी? गाड़ी का रास्ता नहीं है, झूला पुल है। अच्छा, झूला पुल है, तो झूला पुल तो जा सकते हैं। झूला पुल से ऐसे पैदल जा सकते, पैदल जाएंगे तो कुछ गांव दिखाई देंगे। अगर वही चलता है धारचूला ठीक रहेगा। तो ये तक गाड़ी सीधीचे है महाकाल नदी, और गाड़ी के लिए जाना इन्हें बना है वहाँ पर, तो किसी ने हमें बेकूफ बना दिया कि आप गाड़ी लेके जा सकते हो, तो चलते हैं देखते हैं। तो सामने की जो पहाड़ी रोड दिखाई दे रही है गाड़ी आपको, वो है नेपाल, और इधर की जो वाहन है वो है तुम्हारा ये जो सामने जो गाड़ी वो है नेपाल।
हम जा रहे हैं इस समय धारचूला, एक मार्केट यहाँ पर भी आ गई और सामने देख सकते हैं महाकाल नदी और ये नेपाल का एरिया है पूरा जो है नेपाल, और इधर ये इंडिया हो गया, इधर नेपाल हो गया। तो ये एक मार्केट है यहाँ पर, शायद नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नाम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, बलुआकोट। तो गाइस ये है बलुआकोट जो धारचूला रोड पर पड़ता है, और देखते हैं बहुत बड़ा मार्केट है यार बलुआकोट। यहाँ भी सारा सामान जो है हल्द्वानी से आता है, और मार्केट बहुत अच्छी है जो कि आप देख सकते हैं। सकते हैं सामने वो है नेपाली आर्मी जा रही है, और जो कि नेपाल एरिया है पूरा ये साइड, और हमारा इंडिया है। तो तीन चार जो ट्रक जा रहे हैं ये सब नेपाल के हैं, और नीचे है महाकाली नदी, और ये है इंडिया जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये सामने नेपाल है। तो नेपाली आर्मी जा रही है इस समय वहाँ पे, और चलते हैं आगे।